चौकड़ी डीआरसी सीपीआर अजय बधुआ ठीक है, स्थिति में आ जाओगे तो ध्यान रखिएगा ऐसे तौर पे। जिला बालक के प्लेयर और गिनती अच्छी खासी रेडिंग का स्केल और उतनी अच्छी डिफेंस। चल पड़े डीआरसी के प्लेयर अजय बधुआ ठीक लगा थे, एक पॉइंट लेने में कामयाब हरित सी के साथ नदी की ओर से जाओ पर मिलेगा कुछ करना होगा, वापसी करानी होगी। आपके पीछे महज एक ही खिलाड़ी शेष है, अगर आप पकड़े गए तो लगभग ऑल आउट की स्थिति में आ जाओगे तो ध्यान रखिएगा ऐसे तौर पर। रेडर आउट वन पॉइंट हरमारी खा और चल पड़ेंगे पुनः 26 नंबर 77 नंबर के दर्शक है, देखते हैं क्या कर पाते अपनी टीम के लिए। और इसके साथ ऑल आउट होते हुए कुछ नेगेटिव और देखते हैं क्या कर पाएगी अभी जीरो वालों कोहली की ओर से 8 नंबर की दर्शक है। आकर फिर इसी तौर पर एक शार्प प्लेयर कहलाते हैं, स्टेट लेवल के प्लेयर है ये प्लेयर, हमने बहुत जगहों में इस प्लेयर को देखा है, उतनी अच्छी डिफेंस बचा हुआ है अपना 77 नंबर की धरती पे। हरमोनी कला की ओर से कुंदने के ग्राउंड पे ज्यादा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, शांति पूर्वक ढंग से माहौल से मुकाबला चल रहा है, इसी कारण बोले गलत मत निकल रहे। देख रहे भाई वो थोड़ा आराम से धर रहा, कहा क्षति हाथ पर टूट दी तक नुकसान हो जाते ना, और इसमें खेल है ज्यादा जोश में खेल गए तेजी तेजी ठेकाबे हम नहीं खेलते तो फिर पॉइंट गलत नहीं मिली। चल पड़े खेले 7 नंबर के दर्शक एक अच्छी कहा से हट्टे कट्टे दे निश्चित तौर पर बड़े अच्छी ट्रेडिंग के लिए जाने जाते हैं इस रेडर को स्वास्तिक भी का मतलब दूर से 9 नंबर के दर्शक चल पड़े हैं जिला बालक के प्लेयर और गिनती 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 अजिया कैप्टन का ध्यान देंगे जो निर्णय लेंगे हम पार लेंगे और सुपर है और टाइम आउट लेते हैं सारे लोग रेडी के साथ चल पड़े हैं। जब वो डीजे के थी 2024 के स्वार प्लेयर इसे तौर पे डीआर किंग्स की तरह से खेले थे यहाँ खिलाड़ी और देखते हैं इस मुकाबले में क्या होता है और बड़ा सुंदर सा दो टच दावा करते हैं और लेकिन दाव को न स्वीकारा 4 के डिफेंस पे चल पड़े हैं 9 नंबर के दर्जे को देखते हैं क्या कर पाते हैं। ऑले ऑले कर्मों से रेडिंग करते हैं, पिछले रेड में सुपर रेड लगाए थे क्या इसमें क्या कर पाएंगे, लेकिन ना कोई नफा ना कोई नुकसान और चाव पड़ेंगे जैक 35 नंबर के दर्जे पे देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। बड़ी अच्छी खासी रेडिंग का स्केल और उतनी अच्छी डिफेंस रेडर आउट 1 पॉइंट कितने पॉइंट इसके नाचना चल पड़े हैं जय भगवान तो देखते हैं क्या कर पाते हैं। थोड़े छकाए थोड़े ललचाए लेकिन ना कोई नफा ना कोई नुकसान और निश्चित तौर पे और स्कोर हो चुका है 10-12 और 13-12 और टाइम आउट लेती हूँ
भूपेश बघेल जी हमारे इस पावन मैदान पर पहुंचने वाले हैं। बोल बजरंग बली की जय, बोल राधा कृष्णा की जय। अरे क्या जाओ भूपेश, एक कबड्डी देखते हैं क्या कर पाते अपने टीम के लिए। डायमंड के बच्चा अपना मैच प्रारंभ होता हुआ, दो मिनट का कुछ खेल सेफ है, दो मिनट का क्या बात है, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं ज्यादा। और देखते हैं चलिए जिला बालू तो नाइट चल पड़े भगवा कलर क्या कर रहे हैं अपने टीम के लिए। अभी तक एक पॉइंट से लीड है, इसी कारण ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। बड़ी अच्छी करो और मारो का यहाँ मुकाबला, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा सीधे घर के अंदर। मैं बता दूं की ओर से एक मिनट का खेल से एक मिनट और कुछ लम्हे सांसें अटका देने वाली खेल और निश्चित तौर पे शायद तक कुछ गड़बड़ी होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। अंतिम एक मिनट से और दोनों टीम को टाइम आउट नहीं दिया जाएगा तो ध्यान रखिएगा। निश्चित ही एक पॉइंट का दावा करते लेकिन और इसी तरह खेल से एक मिनट का फासला 9 नंबर की जर्सी पे रेडर, देखते हैं क्या कर पाते हैं। और परसों की धमकी देना चाह रहे थे। जी हाँ, क्या होगा इस मुकाबले का हल, क्या जीतेगी अरमारी कला या जीतेगा खुदनी, निश्चित तौर पर देखते हैं। बड़ा अच्छा 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 माहौल से मैं चलता हूँ आखिरी लम्हों में और निश्चित तौर पर